करनाल से भी वकीलों को रखा वर्क सस्पेंस। बात करते हैं करनाल की, जहां आज न्यायालय में दिल्ली की तीज हजारी कोर्ट की घटना के विरोध में आज करनाल कोर्ट के सभी वकीलों का वर्क सस्पेंस रखा गया, जिसके तहत कोई भी वकील किसी भी कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई नहीं गया, जिसके कारण आज सुनवाई होने वाले सभी केसों की सुनवाई अगली तारीख हो गई है। वहीं वर्क सस्पेंस में कर रहे वकीलों में से प्रधान ने बताया कि सुबह मीटिंग के बाद निर्णय लिया गया कि आज करनाल के सभी वकीलों को वर्क से अब्सेस रखा जाएगा। जो घटना दिल्ली की तीस हजारी में वकीलों के साथ हुई है, उसकी हम निंदा करते हैं, साथ ही घटना को उच्च स्तरीय जांच मजिस्ट्रेट लेकर अधिकारियों के करने की मांग करते हैं, और साथ ही हम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हैं। आज के इस मामले पे क्या कहना चाहेंगे आप? जो आज का मामला है, आप लोगों ने खुद देखा होगा कि तीस हजारी कोर्ट में पुलिस ने बड़ी बर्बरतापूर्वक वकीलों पर आक्रमण किया है। उनको चैम्बरों में जाकर उनको लाठियों से पीटा है, गोलियां तक चली हैं, तीन वकीलों को गोलियां भी लगी हैं, जिससे आहत होकर के आज हमारे सारे वकील समाज ने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, मैं बार काउंसिल पंजाब हरियाणा का मेम्बर हूँ, बार काउंसिल पंजाब हरियाणा की कल इमरजेंट मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये डिसाइड किया गया कि सभी वकील कहना वर्क से अब्सटेन करेंगे और पुलिस के जो एक्ट है इसको निंदा करते हैं कि हम जैसे जो भी वकील हैं, जो जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है, एज ए जुडिशियल ऑफिसर जो होते हैं कोर्ट के अंदर, हम जो है उसका पार्ट माने जाते हैं, तो ये जो अटैक है ये जो सिर्फ वकीलों पे नहीं है, रादर के हमारा जो देश का एक न्यायपालिका है उस पर बड़ी आक्रमण है। नमस्कार जी, मैं सुनील चौधरी, एडवोकेट करनाल से। आज जो ये हमारी कोर्ट में जो हड़ताल चल रही है वकीलों की, वो जो है जो दिल्ली की 30,000 कोर्ट में जो हमारी घटना हुई है, वकील साथियों के साथ जो पुलिस द्वारा उनकी बुरी तरह पिटाई की गई है और गोलियां तक चलाई गई है, उसके खिलाफ हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारा वकील साथियों के साथ जो गलत व्यवहार किया गया है पुलिस द्वारा, उसमें उनको इंसाफ दिलाया जाए, और जो हमारे वकील साथी जो अस्पताल में एडमिट हैं, जिनको एक को गोली लगी है और एक को चोटें आई हैं, उसमें भी उनको न्याय दिलाया जाए। सरकार से हमारी यही अपील है, शासन से हमारी अपील है कि हमारे वकील साथी के साथ जो ये अन्याय हुआ है उसमें इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि वकील साथी जो है वो न्याय के लिए लड़ते हैं, और अगर उनको ही न्याय नहीं मिलेगा तो फिर समाज में किसी को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रहेगी।